guys, welcome back to another video. Welcome back to my channel Ahmed Vlogs. Today I'm here with my friend Mr. Engineer and Mr. Am I there in the video? Zain Malik. His name is Shamim Ahmed and my name is Mim Ahmed. So give me a fight, bro. I call him on my vlogs. I call him Mr. Zain Malik because. बंदे को थोड़ा थोड़ा लगता है जैन मलिक की तरह, तो इसलिए जैन मलिक. और ये है मिस्टर आज़ाद. तो अभी इनको क्या बुलाएंगे? आज़ाद इन्फोस. तो आज जो है हम लोग एक अच्छा टॉपिक पे बात करने वाले हैं. ये जो आप मेरे दोस्त देख रहे हो, ये इंडिया से हैं, मैं भी इंडिया से हूँ, ये भी इंडिया से है, हम लोग आसाम से है. तो राइट नाउ वी आर इन दुबई. एंड आज जो बात करेंगे वो है कि बहुत सारे लोग, मेरे जो दोस्त हैं, वो लोग फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में पूछते हैं कि दुबई में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, कैसे जॉब मिलना है या मेरे लिए एक जॉब देख लो, है कि नहीं भाई? बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं. तो हम आज जो है उसी टॉपिक पर बात करेंगे और उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे आप लोग विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी हेल्प ऑफ कंसल्टेंट, कैसे आप दुबई आ सकते हो और कैसे एक जॉब मिल सकता है आपको, सही है कि नहीं? तो उसके लिए आज़ाद भाई को पूछेंगे कि कैसे उनको जॉब मिला, और ये जैन मलिक को भी पूछेंगे. जैन मलिक को भी पूछेंगे उनको भी कैसे जॉब मिल रहा है. अभी उनको फिलहाल नहीं मिला, बट उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनको सिलेक्शन हो गया. नाउ आई विल आस्क माय फ्रेंड मिस्टर आज़ाद हाउ ही केम टू दुबई बाय अप्लाइंग विजिट वीसा. सो अब मिस्टर आज़ाद आप बोलिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप कैसे आए दुबई में? हेलो गाइस, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद फ्रॉम आसाम. यहाँ पे आने का दो ही तरीके थे मेरे पास, इधर मैं एम्प्लॉयमेंट पे आता या विजिट पे आता. मैं एम्प्लॉयमेंट बहुत ट्राई किया, लेकिन क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, आपको एक एग्रीमेंट पे एक तरह का शर्त दिखा के आपको भेज देंगे, फिर वहाँ पर आके वो नहीं मिल सकता है. विजिट में क्या फ़ायदा होता है कि आप खुद विजिट पे आए, खुद जॉब करके मतलब सर्च कर सकते हैं, और वो आप फिजिकली वो कंपनी में जाते हैं. उसकी वजह से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको मालूम होता है कि आप जहाँ पे काम करने वाले हैं उसका वर्किंग कंडीशन कैसा है, छुट्टी वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो आप वहाँ पर इंटरव्यू जाते हैं तो वहाँ के लोकल जो बंदे काम कर रहे हैं तो उनसे वो इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप रिसेप्शन में बात कर सकते हैं, आसपास के जो कंपनीज है दूसरे उनसे भी बात कर सकते हैं, ये कंपनी का स्टेटस कैसा है, वीज़ा टाइम मैंने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो सब आप इंडिया में बैठ के मालूम नहीं कर सकते. तो ये सब के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. तो ओके ओके मिस्टर आज़ाद, तो अभी भाई हमको ये बताइए, ये तो हो गया इधर आके आपको कैसे करना है, अभी आप ये बताइए कि मतलब इंडिया में आपने वीज़ा कैसे अप्लाई किया, किधर गए, कौन सी जगह पे गए जाके आपने वीज़ा अप्लाई किया, वो तो बात बताइए. वीज़ा अप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है, आप ऑनलाइन में खुद जाके कर सकते हैं. मेक माई ट्रिप वगैरह जो जो फ्लाइट का टिकट देते हैं वो भी आप खुद, अगर आपका मेक माई ट्रिप या वो सब माई मुसाफिर डॉट कॉम वो सब में आपका अकाउंट है या आप रेगुलर टिकट वगैरह बुक करते हैं तो आप में उसमें ऑप्शन आता है कि आप 3 मंथ का बिजनेस वीज़ा वहाँ से खुद अप्लाई करके ले सकते हैं. लेकिन उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर किसी ट्रेवल एजेंट में अकबर ट्रेवल्स हो गया, एटलास हो गया, ये सब में जाके आप फेस टू फेस जाके उनसे बोल दीजिए कि मुझे 3 महीने का या 1 महीने का विजिट वीज़ा चाहिए, वो सबसे दे देंगे. ओके तो आपका मतलब ये है कि या तो आप खुद ऑनलाइन कर लो, या तो आप अगर आपको वो सब झंझट में नहीं पड़ना है, खुद आपको कभी किया नहीं है तो फर्स्ट टाइम है आपके लिए, तो उसके लिए थोड़ा आपको मतलब हेजिटेशन फील होता है, तो इसके लिए आप जैसे कि आपने बोला अकबर ट्रेवल्स, ऐसे सारे बहुत सारे अलग अलग शहर में अलग अलग ट्रेवल एजेंसी है, उधर डायरेक्टली जाके आप एक फीस जो है 3 महीने का आपने कितना पे किया था? 3 महीने का मैंने 16,500 इंडियन रुपीज़ दिया था. 3 महीने का वीज़ा, 3 महीना विजिट वीज़ा के लिए. तो उधर जाकर डायरेक्टली आपने बोला आपको विजिट वीज़ा चाहिए और आपने इतना पैसा दिया इंडियन 16,500 दिया, उसको आपने 16,500 में आपको मिल गया आपका विजिट वीज़ा 3 महीने का और आप आ गए दुबई. हाँ, और दूसरा चीज़ ऐसा ही है कि कभी कभार क्या होता है टिकट में वो लोग पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, वो टिकट भी खुद करके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो अगर ट्रेवल एजेंट से आप वीज़ा निकाल रहे हैं तो वो ट्रेवल एजेंट ही टिकट काट देगा. आप खाली वीज़ा अप्लाई करो, और ये ध्यान में रखना कभी भी 20-20,000 के ऊपर नहीं जाता है वो अमाउंट, हमेशा 20,000 के नीचे ही रहता है. कोई आपसे अगर 20,000 ऊपर मांग रहा है तो आपसे ज़्यादा ले रहा है. अच्छा, उस कंडीशन में खुद अप्लाई कर सकते हो, टिकट खुद निकालना है, क्योंकि
वो आपको आज आइधर ज़्यादा प्राइस में दे देगा, टाइमिंग टिक नहीं देगा। और यही कोशिश करना है कि दुबई में आप ऐसे टाइम में पहुँचे कि जब आपको यहाँ से एकोमोडेशन ढूंढने में मतलब टाइम मिले, तो ज़्यादा कोशिश करें कि खुद ही टिकट निकाले, तो आपको प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा और प्राइस भी इकोनॉमिकल मिलेगा, क्योंकि आप पैसे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और विजिट में आ रहे हैं तो बहुत सारा खर्चा है, तो हर पैसा कैसे बचाना है उसी ध्यान रखना। और दूसरा चीज़ है कि आप जब आ रहे हो यहाँ पे, आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तेल साबुन से पकड़ के जितना भी ज़रूरत की चीज़ है सब लेके यहाँ पे सब महंगा है, तो आपको ये कोशिश करना है कि आप जितना भी 3 महीने स्टे कर रहे हैं, अगर 3 महीना भी आपको हो सकता है आपको पहले महीने नौकरी मिल जाए, लेकिन 3 महीने का आपको वो प्लानिंग करके आना है कि मुझे मेरे ज़रूरत की चीज़ सब मेरे पास होना चाहिए, मैं इंडिया से लेके आऊँ तो आपके पास। हाँ, जैसे कि हो गया सिवी वगैरह, इधर आप नया आप आते हो तो बहुत सारा एक्सपेंस होता है इसका, तो सिवी वगैरह उधर से पूरा पासपोर्ट का कॉपी हो या जो भी है सब फोटो कॉपी अच्छे से करा के एक फाइल में, अच्छे से सब कुछ बना के एक फाइल में लेके आना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो पहला चीज़ अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अब अगर अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आपको नौकरी कहीं का मतलब बहुत मुश्किल है। आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाओगे तो आपको रिजेक्ट होते रिजेक्ट कर देंगे मैक्सिमम लोग। और दूसरा चीज़ है आप अच्छे से सूटेड बूटे, ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसे ब्लैक शर्ट पहन लिया और चले गए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सच में। प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ ग्रूमिंग जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, हेयर कट के साथ पूरा मतलब आपके पास जैसे कि आप दे सकते हैं इनका ऊपर से नीचे तक कैसे मतलब पूरा प्रोफेशनल अभी दिख रहा है। छोटे से छोटे जॉब के लिए जा रहे हो आप, प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको फर्स्ट मतलब इंटरेक्शन में निकाल देगा वो फर्स्ट राउंड। तो जैसे कि आप लोगों को आइडिया हो गया है अभी, जिन्होंने मैंने आज़ाद भाई ने बताया आपको कि कैसे कैसे आप आ सकते हो, कैसे कैसे क्या तैयारी के साथ आपको अप्लाई करना है, कैसे आना है, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया। अभी हमारे दूसरा दोस्त जो है उनको भी पूछेंगे वो कैसे उन्होंने अप्लाई किया और कैसे उनको जॉब मिला। सही है, तो मिस्टर ज़ैन मलिक प्लीज़ टेल अस। Hi guys, this is Shamim Ahmed, but he actually lied to you that Zain Malik and all those stuff. I'm not. Yeah, even my name is the same. That's right. Yes, we have got the same name, and we look same as well. No. I don't think so, because you look better than me. That's all right. No problem. Now let's come to the topic. Yeah. So, guys, this is like almost one of the best city in entire world. As you can see, guys, we all three of us, we are from ERDF. Yeah. I'm from USTM. These both guys are from RIST. यहाँ रूम कैसे ढूंढना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दुबई जो है बहुत कॉस्टली सिटी है, तो इसके लिए आपको दो तरीका अपनाना है। एक तो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, नहीं तो दूसरा है आप पोस्टर देख सकेंगे, आई मीन पर्टिकुलर प्लेसेस में आपको जिधर रहना है, जिधर से आपको जॉब सर्च करना है, जिधर कन्वीनियंट है उधर आपको जाने का है, पोस्टर ढूंढने का है, पोस्टर मिलते ही नंबर मिलेगा आपको, रूम रेंट मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपके हिसाब से बजट के हिसाब से आप मिल जाएगा। तो रूम रखने के टाइम में गाइस आपको ध्यान रखना है कि एक कन्वीनियंट प्लेस में आपको रखना है रूम, जिधर से आप मतलब चारों तरह से जा सकते हो। जैसे कि अभी दुबई में अगर रह रहे हो तो आपको आप रूम रख सकते हो या तो यूनियन में, या तो अल गुबैबा में, या तो दुबई में, ऐसे जगह पर आप रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये जगह जो मिडिल पॉइंट है इधर से आप हर जगह इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो मैंने को किसी को तो कॉन्टैक्ट चाहिए था, मैं किसको कॉन्टैक्ट किया, गेस व्हाट गाइस, इस बंदे का कॉन्टैक्ट किया है इस बंदे। हाँ, तो इसका नाम भी शामिम है, मेरा नाम शामिम है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से मिल गया है ठीक है, और यूआरडीएफ फैमिली से है भाई। तो मैंने कॉल किया, आपको कैसे रूम मिला था बताइए। हाँ भाई, यही भाई ने रेफर किया, इतना अच्छा रूम दिलाया। तो एक मैं जब तक जॉब नहीं मिल रहा था, मैं तो अभी तो कंपनी एकोमोडेशन शिफ्ट हो गया, जब तक रूम नहीं मतलब एकोमोडेशन में नहीं आया था, तो ऐसा मतलब मस्त रूम था। वाह वाह वाह, क्या बस और तारीफ नहीं करूँ मैं, मतलब मैं खुशी से मर जाऊंगा। तो अभी देर ना करते हुए मैं अपने भाई को पूछूंगा कि उन्होंने कैसे कैसे किधर अप्लाई किया और कैसे उनको जॉब मिला, बताइए। ओके, सो गाइस, जॉब मिलने का आपको फर्स्ट तरीका है और यही फॉरमोस्ट तरीका है, यह सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आपको वेबसाइट्स का लिस्टिंग करने का, ठीक है। देयर आर पर्टिकुलर वेबसाइट्स जहाँ आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना है, उसी कंपनी प्रोफाइल में जाके आपका सीवी अपलोड करना है, वो लोग कॉल करेंगे। जब आपको कॉल आ गया, सीधा जाना है, इंटरव्यू देना है, और वो जैसे आज़ाद भाई बताया कि आपको प्रोफेशनल रहने का, हाँ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्रोफेशनल वो में जाना है और उधर इंटरव्यू अटेंड करने का है, ईजिली यू कैन गेट जॉब, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा indeed.com, नहीं तो monster.com, dubizel.com, ये जो तीनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है मैं बता देना चाहता हूँ, बयात भी है और नौकरी गल्प भी है, जो कि बहुत अच्छा अच्छा जॉब पोर्टल है, उधर से आप जॉब हंट कर।
कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड भी करता है। तो आपने कैसे अप्लाई किया भाई ऑनलाइन बताइए तो। तो जैसे कि मैंने बोला आपको indeed.com में प्रोफाइल बना लिया, फिर आप monster.com में, डिविजल में, ये सारी वेबसाइट में आप बना लिए, उसके बाद आपको कॉल भी आ सकता है। जैसे कि आपका प्रोफाइल अगर किसी के साथ मैच हो रहा है उन्हें खुद कॉल कर देगा, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो यू कैन जस्ट अप्लाई यू नो एज पर योर क्वालिफिकेशन। हाँ, ये अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं ना ऐसे अप्लाई करके मतलब खुद मतलब एकदम निराश हो जाते हैं कि यार कॉल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। आपको ना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आपको जो है अप्लाई करके आपको वेट करना चाहिए। आपके जैसे कि आपके पास थ्री मंथ का वीज़ा है तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए और आएगा। आपका लग अच्छा हुआ तो एक महीना हफ्ता के अंदर मिल जाता है, या तो तीन महीना भी लग सकता है। तो इसके लिए जो है ना आपको अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और वेट करना चाहिए, और आपका जो तरीका है वो अच्छे से अप्लाई करना चाहिए, और वेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जॉब मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड कॉमेंट देयर। हाँ, सब्सक्राइब प्लीज। हाँ प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट कीजिए। और जो है अभी ये हमारा पहला वीडियो है इस बारे में, तो इसलिए हम लोगों को मतलब अगर कुछ गलतियाँ तो माफ़ करना, और आपको अगर लगता है कि ऐसा है कि दूसरा भी चीज़ आपको पता करना है तो आप कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।